हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक पर्पसेस ऑफ काउंसलिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्पसेस ऑफ काउंसलिंग। फर्स्ट इज टू हेल्प एन इंडिविजुअल इन अंडरस्टैंडिंग क्लियरली हिज ओन प्रॉब्लम। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि काउंसलिंग का पर्पस ये है कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ताकि वो अपनी खुद की प्रॉब्लम को क्लियरली समझ सके। सेकेंड इज टू मेक अवेलेबल एनी इंफॉर्मेशन विच कुड हेल्प एन इंडिविजुअल टू डेवलप एन इनसाइट इन हिज ओन प्रॉब्लम। सेकेंड पर्पस काउंसलिंग का ये है कि जो काउंसलिंग है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो भी अवेलेबल है उसको अवेलेबल कराए और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हेल्प करे इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए इनसाइट ताकि वो खुद की अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। थर्ड इज टू हेल्प इन द इनलाइनमेंट ऑफ द पीपल रिगार्डिंग वॉट ही कैन डू अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड वॉट ही शुड डू इन ऑल सर्कमस्टांसेस। देखिए थर्ड पर्पस क्या है काउंसलिंग का कि जो काउंसलिंग है उसके अंदर ये समझ लाना और ये समझाना कि वो क्या कर सकता है, उसके अंदर इनलाइटमेंट पैदा करना कि वो क्या कर सकता है अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग और उसे क्या करना चाहिए हर एक सर्कमस्टांसिस में जो भी उसके सामने आ रही हैं। फोर्थ इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल इन मेकिंग प्लान्स एंड चूजिंग अ प्लान ऑफ एक्शन विच आर डिसाइडेड बाय हिम विदाउट इम्पोजिशन बाय एनीवन। देखिए फोर्थ पर्पस क्या है काउंसलिंग का कि जो काउंसलिंग है वो असिस्ट करे इंडिविजुअल को ताकि वो अपने प्लान्स और बना सके और उनको चूज कर सके, प्लान ऑफ एक्शंस को चूज कर सके जो वो डिसाइड करेगा, यानी कि जो काउंसलिंग है वो खुद डिसाइड करेगा, कोई भी उसके ऊपर इम्पोज नहीं करे उन प्लान्स को या प्लान ऑफ एक्शन को। फिफ्थ इज टू हेल्प एन इंडिविजुअल इन अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ बेटर। फिफ्थ पर्पस क्या है काउंसलिंग का कि जो काउंसलिंग है वो हेल्प करे इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करने के लिए खुद को ज़्यादा से अच्छा, मतलब अच्छी तरीके से वो खुद को अंडरस्टैंड कर सके, ये जो पर्पस है काउंसलिंग का है। सिक्स्थ इज टू मोटिवेट द इंडिविजुअल टुवर्ड्स टेकिंग द एक्शन एंड ही हैड प्लान्ड एंड मेकिंग एफर्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए काउंसलिंग का एक और पर्पस क्या है कि वो मोटिवेट करे इंडिविजुअल को टुवर्ड्स एक्शन टेक करने में और जो भी उसने प्लान किया है और उसकी जो एफर्ट्स है जो उसने उन प्लान को बनाने में करे हैं या उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो करे हैं उस पर हेल्प करे और जो इंडिविजुअल है वो अपने एफर्ट लगाए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सेवेंथ इज टू गिव इंकरेजमेंट टू द इंडिविजुअल टू डेवलप द राइट एटीट्यूड्स। देखिए सेवेंथ पर्पस क्या है काउंसलिंग का कि जो काउंसलिंग है वो इंकरेजमेंट प्रोवाइड करे इंडिविजुअल को टू डेवलप राइट एटीट्यूड्स। एट दिस टू इंकरेज द इंडिविजुअल टू डेवलप एनी एबिलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हिज पर्सनल इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन विद द एनवायरमेंट। लास्ट पर्पस क्या है कि जो काउंसलिंग है वो इंकरेज करे इंडिविजुअल को ताकि वो डेवलप कर सके कोई भी एबिलिटीज जो रिक्वायर्ड है उसकी पर्सनल इंटीग्रेशन के लिए और इंटीग्रेशन विद द एनवायरमेंट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।